हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसे सांप को देखा है जो हवा में उड़ सकता है? लेकिन इन सांपों के पंख ही नहीं होते, फिर यह हवा में कैसे उड़ जाते हैं? यह जानने के बाद आप जरूर चौंक जाएंगे। और गाइज, आपने ब्लैक, ब्राउन, ग्रे कलर के स्नेक तो देखे ही होंगे, लेकिन क्या कभी आपने रेड कलर का स्नेक देखा है, जो दुनिया के सबसे रियरिस्ट स्नेक्स में से एक है? और गाइज, आपने कभी ऐसे स्नेक के बारे में सुना है जो अंधा होता है और अंधा होते हुए भी वह अपने शिकार का बाखूबी से शिकार करता है? तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ दुनिया के 10 ऐसे सांपों के बारे में, जिनके बारे में ना तो पहले कभी आपने सुना होगा और शायद ना कभी देखा होगा। और दोस्तों, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें, क्योंकि आज हम इस वीडियो में ज्यादा रोमांच करने वाले हैं। तो चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं फैक्टो सबके इस रोमांचक सफर की। सबसे पहले नंबर 10 पर आता है पैराडाइज फ्लाइंग स्नेक। गाइज, यह वही स्नेक है जो हवा में उड़ सकता है, लेकिन हवा में यह तभी उड़ता है जब इसे किसी रेप्टल या अपने शिकार का शिकार करना होता है। यह फ्लाइंग स्नेक दुनिया भर में इतने ज्यादा रियर है कि यह सिर्फ 4 जगहों को छोड़कर कहीं नहीं पाए जाते, और वे 4 जगह हैं मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर और फिलीपींस। यह स्नेक देखने में जितने खतरनाक दिखते हैं, साथ ही साथ यह स्नेक उतने ही ज्यादा जहरीले भी होते हैं। अब आप में से काफी लोगों के दिमाग में बस यही क्वेश्चन आ रहा होगा कि बिना पंखों के आखिरकार यह सांप उड़ कैसे सकते हैं? तो गाइज, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हवा में उड़ने के लिए इन सांपों को पंखों की जरूरत नहीं होती है, यह सिर्फ अपने जंप से ही काफी दूरी तय कर सकते हैं। और जब जंप लगाने के लिए यह स्नेक किसी पेड़ की ऊंचाई पर स्थित किसी डाल पर चढ़ते हैं और वहां से वह अपने शिकार को देखते हैं, फिर उस शिकार को पकड़ने के लिए वह पेड़ से जंप लगाते हैं। और इस जंप के दौरान हमें ऐसा महसूस होता है कि यह सांप हवा में उड़ रहा है, जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं। फ्लाइंग स्नेक अपनी स्ट्रॉन्ग मसल्स के चलते अपनी बॉडी को काफी हद तक हवा में ही फ्लैट कर लेता है, जिससे कि यह हवा में आसानी से ज्यादा दूरी तय कर सके। गाइज, अगर हम बात करें इसके लेंथ की, तो इस स्नेक की लेंथ करीब 2 से 4 फीट तक की होती है। अब नंबर 9 पर आता है स्पाइडर टेल्ड वाइपर। यह स्नेक दुनिया के सबसे रियरिस्ट स्नेक में से एक है। यह स्नेक आपको देखने में भले ही छोटे लग सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा खतरनाक और चालाक स्नेक शायद ही कभी आपने देखे होंगे। इस सांप की पूंछ पर मकड़ी बनी होती है, जिसका फायदा यह सांप लेना बहुत ही अच्छी तरह से जानता है, जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं। यह स्नेक शांति से बैठा हुआ है और किसी भी प्रकार का कोई मूवमेंट नहीं कर रहा है, लेकिन जब यह स्नेक अपनी पूंछ को हिलाता है तो ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ पर कोई मकड़ी रेंग रही हो, और इसके आसपास के पक्षी इस ओर आकर्षित होते हैं। और जब वह पक्षी यह समझते हैं कि शायद यह एक मकड़ी है, और जैसे ही वह पक्षी उस मकड़ी को शिकार बनाने के लिए आता है, तो वैसे ही यह स्नेक उल्टा उन्हें ही शिकार बना लेता है, जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं। और इस स्नेक की खोज 1968 में हुई थी, और इस स्नेक की साइज छोटी होने की वजह से यह जमीन पर बहुत ही तेजी से रेंगता है। अब नंबर 8 पर आता है व्हाइट कोबरा। यह स्नेक रेयरिस्ट होने के साथ साथ बहुत ही ज्यादा क्यूट भी दिखाई देते हैं। आपका इस व्हाइट स्नेक को देखते ही इसे पकड़ने का मन करेगा, और आपको यह जानकर हैरानी होगी कि आप इस व्हाइट स्नेक को आसानी से पकड़ भी सकते हैं, क्योंकि इस स्नेक के अंदर जहर नहीं होता है। लेकिन यह स्नेक अपने डिफेंस के लिए आपको काट भी सकता है, और अगर आप इस स्नेक को अपने घर लाने का मन बना रहे हैं, तो मैं आपको इस स्नेक से रिलेटेड एक इंटरेस्टिंग बात बताने जा रहा हूं कि यह व्हाइट स्नेक 20 से 30 हजार स्नेक पैदा होने के बाद ही पैदा होते हैं। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि ये दुनिया के कितने रेयरिस्ट स्नेक होंगे। अब नंबर 7 पर आता है डबल हेडेड स्नेक। दोस्तों, आपने अब तक जितने भी सांप देखे हैं, उनके सिर्फ एक ही सिर होते हैं, लेकिन क्या कभी आपने 2 सिर वाले सांप देखे हैं? यह वही सांप है। यह डबल हेडेड स्नेक ऐसे स्नेक होते हैं जिनके 2 मुंह होते हैं, और ये अपने दोनों ही मुंहों से खाना खाते हैं। अब ऐसा भी नहीं है कि यह स्नेक हमेशा ही 2 मुंह के साथ पैदा होते हैं। यह स्नेक किसी रियर कंडीशन में ही ऐसे पैदा होते हैं कि इनके 2 मुंह हो। आपको यह भी जानकर हैरानी होगी कि ऐसे सांप ज्यादातर कुछ ही समय के लिए जीवित रह पाते हैं।
अब नंबर 6 पर आता है ग्रीन वाइन स्नैक। दोस्तों यह एक ऐसा स्नैक है जो पूरी तरह से हरे कलर का होता है और अगर यह किसी पेड़ पर स्थित पत्तों में जाकर छुप जाए तो इसे ढूंढना नामुमकिन है। यह ग्रीन स्नैक इतने ज्यादा रेयर होते हैं कि यह सिर्फ सेंट्रल अमेरिका में ही पाए जाते हैं। इनकी लंबाई 79 इंच तक होती है और इनकी पूरी बॉडी का कलर ग्रीन होता है और इनके सर पर पीला कलर पाया जाता है। लेकिन दोस्तों इस स्नैक की गोल्ड आंखें देखकर आप इसकी आंखों में मदहोश हो जाएंगे। तो गाइज अब हम आगे बढ़ते हुए नंबर 5 पर आते हैं, मेलागेसी लीफ नोज्ड स्नैक। गाइज इस सांप को देखने के बाद आप सोच में पड़ जाएंगे कि भला इस तरह का भी कोई स्नैक होता है। इस स्नैक की नाक इसके मुंह से भी ज्यादा लंबी होती है और नॉर्मल ही जब आप इस स्नैक को देखेंगे तो आपको लगेगा कि इसका मुंह ज्यादा लंबा है, लेकिन हकीकत में यह उसकी नाक होती है और इसका मुंह इसकी नाक के नीचे की साइड में होता है। और यह स्नैक अपनी इसी यूनिक बनावट की वजह से दुनिया में सबसे रेयर स्नैक है। अब नंबर 4 पर आता है कैलिफोर्निया रेड साइडेड गार्डर स्नैक। दोस्तों अभी जो आप अपनी स्क्रीन पर इस रंग बिरंगे सांप को देख रहे हैं, यह स्नैक ओमन गार्डर स्नैक की सब स्पेसिस से है। दोस्तों इस स्नैक का सर रेड कलर का होता है, ब्लैक और ब्राउन कलर की इसकी पूरी बॉडी होती है। अब नंबर 3 पर आता है हैरी भुज वाइपर। गाइज इस स्नैक की पूरी बॉडी पर कांटे नुमा शेप होती है। यह इतने खतरनाक होते हैं कि इसको देखने के बाद ही ज्यादातर लोग डर जाते हैं। यह कितने ज्यादा रेयर हैं? इसका अंदाजा हम इस बात से लगा सकते हैं कि यह सिर्फ अफ्रीका के जंगलों में ही पाए जाते हैं। गाइज क्या आपने आज से पहले कभी ऐसे स्नैक को देखा है जिसके शरीर पर कांटे हों? और अगर आपने पहले कभी ऐसे स्नैक को देखा है तो कमेंट कर जरूर बताएं। अब नंबर 2 पर आता है स्ट्राइपेड ब्लाइंडेड स्नैक। दोस्तों यह स्नैक दुनिया का एक ऐसा स्नैक होता है जो पूरी तरह अंधा होता है, जिसे कुछ भी दिखाई नहीं देता है, लेकिन यह अपने शिकार को पकड़ने में बेहद ही माहिर होता है। और अगर इस स्नैक को चींटी या टर्माइड के अंडे मिल जाते हैं तो यह उन अंडों पर बड़ी ही तेजी के साथ झपटता है और उन्हें खाना शुरू कर देता है। और आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इस स्नैक का मुंह भी काफी छोटा होता है, लेकिन यह स्नैक रेंगने में काफी तेज होता है। तो दोस्तों अब फाइनली हम नंबर 1 स्नैक के बारे में बात करेंगे और नंबर 1 पे आता है रेड कोबरा। दोस्तों यह इस दुनिया का सबसे रेयरेस्ट स्नैक में से एक माना जाता है। लाखों सांपों के जन्म लेने के बाद कहीं जाकर एक रेड कोबरा जन्म लेता है और इस सांप की लंबाई 0.7 मीटर से लेकर 1.2 मीटर तक हो सकती है। और दोस्तों सबसे ज्यादा रोमांच की बात तो यह है कि इस स्नैक को अलग अलग रंगों के सांपों के साथ रख दिया जाए फिर भी यह स्नेक सबसे अलग दिखाई देगा। इसे आप व्हाइट स्नेक की तरह कोई नॉर्मल स्नेक मत समझिएगा। अगर आपको लगता है कि यह व्हाइट स्नेक की तरह ही होगा तो यह आपकी गलतफहमी है, क्योंकि इसमें भी ब्लैक कोबरा की तरह ही जहर पाया जाता है जो काफी घातक होता है। और यह अगर किसी इंसान को काट ले तो उस इंसान की मौत मात्र आधे घंटे में हो जाएगी, अगर कोई उचित इलाज नहीं मिला तो। वैसे दोस्तों क्या आपने भी कभी इन स्नेक में से पहले स्नैक को देखा है और क्या कभी किसी स्नैक ने आपको काटा है? तो मुझे कमेंट करके नीचे जरूर बताएं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर व सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही और फिर मिलते हैं किसी अन्य रोचक तथ्य के साथ। और अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।